शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र राज्य के 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे सामने आ चुके हैं। दिग्रस तहसील में 3 जूनियर कॉलेजों ने 100% परीक्षा परिणाम हासिल किए। वह स्थानीय बुटले कॉलेज की छात्रा अदिति ढोरे ने वाणिज्य शाखा से 91.38% अंक प्राप्त कर तहसील में प्रथम स्थान हासिल किया है। बीते कुछ सालों से 10वीं और 12वीं बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं के नतीजों में लड़कियां लड़कों से आगे निकलती देखी जा रही है। यह बात काबिले फख्र है। इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणामों में दिग्रस तहसील की बात की जाए तो यहाँ भी 12वीं वाणिज्य शाखा की छात्रा अदिति ढोरे ने 91.38% फीसदी अंक हासिल कर अव्वल स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दीनबाई जूनियर कॉलेज विज्ञान शाखा के मांडवा ग्राम निवासी ओम विठल राउत ने 88.92% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान हासिल किया। मोहनाबाई स्कूल के नाम से मशहूर मातोश्री भीमाबाई शिंदे जूनियर की आर्ट शाखा की छात्रा अर्चना नवघरे ने प्रथम और अफसाना फिरोज आलम वाले ने द्वितीय और कल्याणी राउत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मालूम हो कि इस साल दिग्रस शहर के 3 जूनियर कॉलेजों का परीक्षा फल 100% आया है, जिसमें मोहनाबाई जूनियर कॉलेज, दीनबाई जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस सहित चांदनगर के अल खुर्शीद उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस का नाम शामिल है। इसी मौके पर अल खुर्शीद उर्दू जूनियर कॉलेज के संस्था सचिव खालिद अहमद ने इनबीसीएन को परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन और शिक्षकों की मेहनत पर खुशी जताई है। महाविद्यालयाचा निकाल 17-19 100% लागला असून त्याबद्दल कॉलेजच्या प्राचार्या महलका नाजनीन आणि सहायक शिक्षक श्री अफरोज खान, आदिल शेख, जेबा शेख आणि सबिया शेख यांचा स्तुतिसुमनाने अभिनंदन करतो, तसेच विद्यार्थ्यांचे सुद्धा अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी ईश्वर अल्लाह त्यांना प्रगती देव अशी शुभेच्छा व्यक्त करून। बहरहाल शहर के राष्ट्रीय विद्यालय के साइंस शाखा के नतीजे 88.33 वही आर्ट्स फैकल्टी का परीक्षा परिणाम 93.64% आया है। इसके साथ ही अंजुमन उर्दू जूनियर कॉलेज 85.71% आया है। कुल मिलाकर दिग्रस शहर के जूनियर कॉलेज के छात्रों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। दिग्रस से इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।